आगे अश्व का नेतृत्व किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन। माननीय राष्ट्रपति महोदय की आगवानी के लिए वहां तैयार राष्ट्रपति सैन्य सचिव के प्रतिनिधि अनिल खोसला एडीएसएम एसएम पीएसएम माननीय राष्ट्रपति महोदय से परेड के निरीक्षण का अनुरोध किया गया और अब परमादरणीय माननीय राष्ट्रपति खुली जीप पे सवार हो रहे हैं और इस जीप के आगे के हिस्से में बड़े मान अपमान से फहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज उनकी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय के सैन्य सचिव मेजर जनरल अनिल खोसला और परेड कमांडर जनरल अनिल झिंझेरिया। सभी उनके सम्मान में उठ खड़े हुए हैं और ये पल हमें हर्षित करते हैं हमें मोहते हैं और एक दूसरे से जोड़ते हैं। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति अपने स्थान की ओर अग्रसर हो कर्नल अनिल झिंझेरिया आज अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र को जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की आखिरी बटालियन में 8 दिसंबर 2001 को कमीशन प्राप्त हुआ। आखिरी बटालियन के साथ जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश किया
उत्कृष्ट सेवा और असाधारण नेतृत्व से ऊपर कार्य करने के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र फोर्स कमांडर द्वारा प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। For his distinguished services and exceptional ability to execute the assigned tasks with professional acumen and inspirational leadership. Rashtrapati Gan! Dhanyavad Chalega! Dhanyavad Bhad! Rashtrapati Gan! Dhanyavad Se! Dhanjal! आपकी बटालियन जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय शामिल है 76 जवान, एक ऑफिसर, इंटीरियर कमीशन ऑफिसर और नेतृत्व करेंगे मेजर सौरभ गोस्वामी। मेजर सौरभ गोस्वामी को जम्मू और कश्मीर लाइट इंफेंट्री की आपकी बटालियन में 7 जून 2008 को कमीशन प्राप्त हुआ। महावीर पहाड़ पाइप बहुत ही खूबसूरत
Thank you.
दोनों बटालियन के कमांडर्स पूरी तरह स्तर पर, परेड कमांडर कर्नल अनिल झिंझेरिया और परेड कमांडर कर्नल विजय उनियार। कर्नल विजय उनियार पंचम वाहिनी प्रथम गोथा रजत की टुकड़ी का दायित्व संभाले हैं और परेड कमांडर कर्नल अनिल झिंझेरिया आठवीं बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। ध्वनि के साथ सभी अभिवादन कीजिए, अभिनंदन कीजिए इन जवानों का। प्रथम गोर्खा राइफल्स की टुकड़ी के परेड कमांडर कर्नल विजय उनियाल। कर्नल विजय उनियाल ने पंचम वाहिनी प्रथम गोर्खा राइफल्स में ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से 2001 में कमीशन प्राप्त किया। पारस्परिक दायित्व का आदान प्रदान, चार्ज दिया गया और चार्ज लिया गया। दोनों ने हाथ मिलाया, परेड कमांडर कर्नल अंजुजेरिया और परेड कमांडर कर्नल विजय उनियाल। अत्यंत भावपूर्ण और चाबी राष्ट्रपति भवन की चाबी का स्थानांतरण हुआ और अब रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करते हुए अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व के प्रति आर्मी गार्ड बटालियन के चेंज ओवर समारोह के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सियाचिन की आठवीं बटालियन के स्थान पर प्रथम गोरखा राइफल्स की पांचवीं बटालियन के इस चेंज ओवर समारोह में भाग लेकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। यह समारोह राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। पहली बार यह 9 अप्रैल 2014 को हुआ था। जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सियाचिन भारतीय सेना की सबसे नई रेजिमेंटों में से एक, फिर भी इसकी आठवीं बटालियन ने शौर्य व पराक्रम की अपनी परंपराएं स्थापित की। इसकी पहचान सूरमाओं के सूरमा अर्थात ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव की। इस बटालियन ने अब तक 300 वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें एक परम वीर चक्र, एक अशोक चक्र और एक महावीर चक्र भी शामिल। बटालियन के जवानों ने श्रेष्ठता के जो उनके मानदंड स्थापित किए हैं वे सराहनीय। इस बटालियन के जवानों के साहस, बलिदान और निष्ठा में उनकी गाथा देखी जा सकती है। मैं कर्नल अनिल झिंझेरिया को तथा जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सियाचिन की आठवीं बटालियन के अन्य अधिकारियों और सैनिकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने अप्रैल 2014 से अगस्त 2017 तक सौंपे गए सभी कार्यों को बखूबी अंजाम दिया है। सशस्त्र सलामी दिए जाने के हर एक अवसर पर, चाहे वह हमारे देश की यात्रा पर आए राजकीय अतिथियों के सम्मान में हो अथवा राष्ट्रपति भवन में मेरे आवागमन के दौरान हो, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सियाचिन की आठवीं बटालियन के जवानों की दिल वेशभूषा, हाव भाव और अनुशासन बेहतरीन रहेगी। बहुत से विशिष्ट अतिथियों ने परेड के दौरान जवानों के प्रदर्शनों की सराहना की है। मैं सैन्य परंपराओं तथा योग्यता और अनुशासन के उच्च आदर्शों का प्रदर्शन करने वाली इस बटालियन को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज आप सब एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी श्रेष्ठता का स्तर कायम रखेंगे। भविष्य में भी आपको अपने सभी प्रयासों में सफलता मिले, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं इस अवसर पर
गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन का स्वागत करता हूं। यह यूनिट जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सियाचिन की 8वीं बटालियन का स्थान ले रही है तथा इसे राष्ट्रपति भवन की सेरेमोनियल आर्मी गार्ड बटालियन की अत्यंत गौरवपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस बटालियन का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए इस बटालियन ने 200 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनमें से 1971 के युद्ध से जुड़े एक साथ प्राप्त हुए 3 महावीर चक्र शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि सेरेमोनियल आर्मी गार्ड के अपने कर्तव्यों का पालन करते समय यह टुकड़ी अपने प्रदर्शन के उसी उच्च स्तर को बनाए रखेगी जिसके लिए यह जानी जाती है। प्रथम गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन के कर्नल विजय उनियाल तथा अन्य अधिकारियों और जवानों का राष्ट्रपति भवन में कार्यकाल सफलतापूर्ण रहे इसके लिए मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित दोनों बटालियनों के अधिकारियों, सैनिकों, उनके परिवार के सदस्यों और सेवा में सैनिकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। निरीक्षक अपने हाथों के करीब 9 फुट लंबे भारी लिए हुए हैं। पूरे विश्व के सबसे ऊंचे घोड़ों वाली इस घुड़सवार में शामिल घोड़ों की ऊंचाई औसतन 15.5 हाथ है। राष्ट्रपति जी के लिए समारोह संबंधी दायित्व निभाने वाली इस रेजिमेंट के जवान घुड़सवार, कुशल टैंक चालक और पैरा ट्रूपर हैं। संगीत की गति देखिए और घोड़ों की लय देखिए। जैसे जैसे गति बढ़ती है और गति घटती है, इन अश्वों की चाल भी धीमी और तीव्र होती है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत कीजिए इन अश्वारोहियों का। These horses are looked after at the 44 military hospital and they are treated and kept clean and happy and fit by Colonel K. Atri, who's the doctor over there.
क्या अंदाज है, क्या गरिमा है इन अश्वारोहियों की, और कितने खूबसूरत नाम है इनके, टैंगो, रोनाल्डो, राइजिंग स्टार, भीम, गुलाब, सुल्तान, वाइपर, बहुत अनोखे अश्वारोही हैं ये और बड़े अलौकिक करतब दिखाते हैं। गति बढ़ती है, इनकी चाल, इनकी फिटन भी बढ़ती जाती है। गजब का संतुलन, अनूठा प्रदर्शन है इन अश्वारोहियों का। माननीय राष्ट्रपति महोदय की राष्ट्रीय सभा बस भी यहाँ पहुँच रही है। फोरकोर के प्रांगण में इस समय अत्यंत मोहक वातावरण है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी होप यू एंजॉय टुडे डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री क्रिएशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन एंड वी विश यू ऑल a lovely day ahead. माननीय राष्ट्रपति अपनी बंदी की सभा हो चुके हैं और प्रस्थान करते हुए सभी को हाथ हिलाकर